नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंबुज उपाध्याय। आइए नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। कन्नौज में बोले पीएम मोदी, पहले चरण के मतदान के बाद घोर परिवारवादियों को सपने देखने बंद हैं, नींद भी उड़ी हुई है। बजाज ग्रुप के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज ने शनिवार को 83 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस। पद्म भूषण समेत कई पुरस्कारों से हो चुके थे सम्मानित। आंध्र प्रदेश पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। विशाखापट्टनम के कोदरू गांव में भारी मात्रा में गांजा किया नष्ट। नष्ट किए गए गांजे की कीमत लगभग 850 करोड़ रुपए। श्री हरिगोविंदपुर के विधायक बलविंदर लाड़ी पहले 28 दिसंबर को बीजेपी में हुए शामिल, फिर 3 जनवरी को कांग्रेस में लौटे, उसके बाद 11 फरवरी को फिर से भाजपा में हुए शामिल। नागपुर में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के सीए से जुड़े 12 परिसरों पर सीबीआई ने की छापेमारी। 5 से 15 साल के बच्चों के टीकाकरण पर स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान, बोले विशेषज्ञों की सिफारिश के आधार पर लेंगे फैसला। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने जारी किया पार्टी का डिजिटल घोषणा पत्र, मनोहर पर्रिकर के बेटे ने किया समर्थन। बीएसएफ ने गुजरात के भुज में 6 पाकिस्तानी मछुआरों को किया गिरफ्तार, साथ ही उनके कब्जे से 11 नौकाएं जब्त की। पूर्वांचल में भाजपा के 9 और प्रत्याशी घोषित, साधना सिंह का टिकट कटा, वहीं सपा प्रमुख को टक्कर देंगे कालीचरण राजभर। आईपीएल नीलामी में दीपक चाहर को 14 करोड़ में चेन्नई ने खरीदा, वहीं ईशान किशन 15 करोड़ 25 लाख रुपए में बिकने वाले आईपीएल 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। 10 बड़ी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।